पंजाब सरकार पॉलीथीन के लिफाफे के वरतों पर पाबंदी लगाई गई है। नगर कौंसल फिलौर के ईओ विजय डोगरा सदक अफसर के निर्देशों से नरेश कुमार सेंटरी इंस्पैक्टर ने टीम समेत दुकाना रेहड़ियों वाले की चैकिंग की। पॉलीथीन के लिफाफे बरतन के चलान कटे तो रेहड़ियों वाले अपील की कि वह सड़क के किनारे रेहड़ियां ना लगा। इस मौके दुकानदार रेहड़ियों वाले ने कहा कि सरकार पॉलीथीन के लिफाफे बना फैक्टरी खिलाफ बनती कार्रवाई करे। लोग तो पहला ही कोरोना महामारी कारण मंदी छाई हुई है, लोग हालो बेहाल हो रहे हैं। इस मौके नरेश कुमार सेंटरी इंस्पैक्टर ने दुकानदार रेहड़िया पब्लिक को अपील की कि पॉलीथीन के लिफाफे वरतों ना कर, जेकर कोई करता है उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। शान न्यूज़ तो कैमरामैन डिंपल दे नाल अजय सिंह नाकी की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार जी, मैं सेंटर इंस्पैक्टर नरेश कुमार नगर कौंसल फिलौर वालों माण योग साढ़े कार्यसाधक अफसर विजय डोगरा जी की अगवाई हेठ तो जो सानू सरकार दी दित्तियां हदायतों अनुसार असी जिहड़ा प्लास्टिक बैन की कार्रवाई हुई है उहदे ते असी शहर फिलौर दे विच काफ़ी लोगों नू अवेयर भी कर रहे हैं, बुनियादी भी कराई आ, लोगों के असी जागरूकी कैंप भी लाए आ। तो उस तो इलावा सरकार के हदायतों अनुसार असी काफ़ी जगह तो लिफाफा जब्त भी किया आ, उन्होंने चलान भी किए आ। तो आप जी ने देखा ही है कि असी जिन्नी मैक्सीमम जिहड़े अपने होलसेलर आ वड्डी शॉप्स हैगी आ ते जिन्हें छोटे यूनिट तो लैके वड्डे यूनिट तक सारे दे असी कार्रवाई करके उन्होंने तो लिफाफा जब्त कर दी। सर एक जिहड़े दुकानदार आ उन्हां दा इह कहना है भी जिहड़े छोटियां नहीं जिहड़ियां मगरमच्छ नूं फड़ो तुसीं उन्हां ते कार्रवाई क्यों नहीं कराउंदे? सर जी आप जी नूं इन्ना पता है जी, सरकार नूं हरेक डिपार्टमेंट दे हरेक उस हिसाब नाल उन्हां नूं हदायतां ते पावरां दित्तियां जांदियां आ। तो सरकार वालों जो सानू हदायतों से ऑर्डर दिए गए हैं असी अपने अनुसार उन्हां दी दित्तियां हदायतों अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस डिपार्टमेंट का जिदा काम होंगे वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। बेचारा गरीब सब रेहड़ियाँ वेच तां उहनूं मना करदे 5,000 रुपए का उहनूं मिलदा आ, उह वरतदा आ लालच विच वरतदा आ। इह जिथे फिर भी बनती है उहनूं तक पाई जाए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਫੜੋ, ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੋ, ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਫੜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲ ਕੋੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ।